आपने पुराने कई एक्टर और सेलिब्रिटी को गरीबी से अमीरी की ऊंचाइयों तक तो पहुंचते देखा और सुना होगा, पर आज हम आपको बताएंगे ऐसे एक्टर्स और सेलिब्रिटीज के बारे में जो अमीरी के इस आसमान से गिरकर सीधा जमीन पर आ गए। किसी समय जो अपने नाम और शोहरत के कारण जाने जाते थे, एक समय उन्हें सड़कों पर अपनी भूख मिटाने के लिए भीख तक मांगनी पड़ी थी। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे ऐसे ही कुछ सेलिब्रिटी के बारे में और इनकी अच्छी से बुरी हुई हालत के बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अमीर से गरीब तक के इस सफर में पहली सेलिब्रिटी का नाम आता है परवीन बॉबी का। परवीन बॉबी को कौन नहीं जानता। ये एक ऐसी अदाकारा है जो अपनी एक्टिंग के कारण 90s के समय कई लोगों को घायल कर चुकी थी और उन्होंने उस समय में कई हिट फिल्में भी दी, पर उनके करियर के साथ उनका अंत बेहद बुरा हुआ था। वो बाद में मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी। दरअसल उनके शुरुआती करियर में उस वक्त के कितने ही सेलिब्रिटी के साथ अफेयर में उनका नाम जुड़ा, जिसमें अमिताभ बच्चन, डैनी, महेश भट्ट और भी कई कलाकार, लेकिन वो सब शादीशुदा थे। उस वक्त में परवीन बॉबी के दीवाने इतने थे कि महेश भट्ट ने इस दीवानगी के चलते अपनी पत्नी से डिवोर्स ही ले लिया। लेकिन बॉबी का मन तब दुखा जब उनका डैनी से ब्रेकअप हुआ। डैनी से हुए ब्रेकअप ने परवीन बॉबी को काफी दर्द पहुंचाया। इन सब के बाद वो अमेरिका चली गई और शांति के लिए धर्म की शरण में चली गई। लेकिन अचानक बरसों बाद वो मुंबई लौटी और अमिताभ बच्चन के खिलाफ 1992 में इल्जामों की झड़ी लगा दी। हालांकि कोर्ट में सबूत न पेश करवाने के कारण उनके सारे इल्जाम बेबुनियाद बताए गए। अंत में वो अपने फ्लैट में शांति से रहने लगी, जब उन्हें किसी से भी मिलना पसंद नहीं था। और बॉबी 22 जनवरी 2005 को अपने मुंबई वाले फ्लैट में मृत पाई गई और उसी वक्त सोसाइटी के सेक्रेटरी ने ये खबर सबको दे दी। इनके बीमार और मरने की शंका सोसाइटी के सेक्रेटरी को तब हो गई जब उन्होंने 3 दिन से अपने फ्लैट से न तो न्यूज़पेपर और न ही दूध लिया। ये दोनों 3 दिन से ही उनके फ्लैट के बाहर पड़े रहे। परवीन बॉबी अपने फ्लैट में शुरुआत से अकेली रहा करती थी और उन्हें शुरू से ही किसी का आना पसंद नहीं था। इसी मेंटली डिसऑर्डर के कारण वो एक खूबसूरत अदाकारा की मौत बड़ी दर्दनाक तरीके से हुई। अब हम दूसरे नंबर पर बात करेंगे गीतांजलि नागपाल की। 90 के दशक में गीतांजलि वो शख्सियत थी जो कि पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन के साथ रैंप वॉक कर चुकी थी। खूबसूरती इतनी कि उन्हें फिल्मों में काम मिलना शुरू हो गया था। 90 के दशक में गीतांजलि का नाम मॉडलिंग की दुनिया में काफी बड़ा था। हरियाणा के हिसार से ताल्लुक रखने वाली गीता के पिता इंडियन नेवी में ऑफिसर थे और माँ हाउसवाइफ। चूँकि गीतांजलि बेहद खूबसूरत थी, इसलिए उन्होंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स भी किया था। ग्लैमर की दुनिया में गीतांजलि को कामयाबी मिलने के बाद उन्होंने अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाकर जर्मन लड़के से शादी रचाई, जिससे उन्हें एक बेटा भी हुआ जिसका नाम था आर्थर। हालांकि बाद में गीतांजलि ने इस रिश्ते को तोड़ दिया, लेकिन उनके पूर्व पति बेटे संग अब जर्मनी में रहते हैं। रिश्ता टूटने के कुछ साल बाद गीता गोवा पहुंची, जहां पर उनकी मुलाकात एक ब्रिटिश लड़के से हुई। फिर दोनों के बीच प्यार हुआ और गीता अपने ब्रिटिश बॉयफ्रेंड संग दिल्ली के एक सस्ते गेस्ट हाउस में रहने लगी। इन्हीं दिनों गीतांजलि एक लत की शिकार भी हो चुकी थी। गीतांजलि को बॉलीवुड में कामयाबी तो मिली, लेकिन साथ में उन्हें शराब और ड्रग्स के सेवन की लत भी लग चुकी थी, जिसने कि गीतांजलि के करियर को पूरी तरह से तबाह कर दिया। तबाह इतना कि 2007 में गीतांजलि को सड़कों पर भीख तक मांगते देखा गया था। आर्थिक तंगी इतनी खराब कि गीतांजलि को घरों में नौकरानी तक का काम करना पड़ा। बाद में लत के कारण वो ये काम भी ठीक से नहीं कर पाई। उनके हालात बद से बदतर होते गए और वो सड़कों और पार्क में रातें गुजारने के लिए बेबस हो गई थी। गीता को कई लोग उनकी हरकतों के कारण साइको बताने लगे थे। तब पुलिस उन्हें पकड़कर थाने ले गई और अस्पताल भेज दिया। साइकाइट्रिस्टों ने चेकअप के बाद बताया कि वो कॉलेज गाड़ी से बाहर नहीं उतरना चाह रही थी। आखिरकार साल 2007 में गीतांजलि को दिल्ली के हौस खास विलेज में देखा गया था। साल 2008 में रिलीज हुई मधुर भंडारकर की फिल्म फैशन भी गीतांजलि नागपाल की जिंदगी पर थी। इस फिल्म में कंगना रनौत का किरदार गीतांजलि नागपाल की लाइफ पर ही पूरी तरह से आधारित था और उसी साल गीतांजलि ने दुनिया को अलविदा कहा था। अब बात करेंगे सतीश कौल की। अमिताभ बच्चन से लेकर गोविंदा तक के साथ काम करने वाले इस एक्टर की ऐसी हालत हो गई थी कि उनके दोस्तों ने भी इनसे मुंह मोड़ लिया। दरअसल सतीश कौल अपनी जिंदगी बेहद तंगी से गुजार रहे थे। सतीश कभी हिंदी और पंजाबी फिल्मों में जाना पहचाना नाम हुआ करते थे। 1974 से लेकर 1998 तक सतीश ने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। सतीश ऐसी शख्सियत थे कि उनको उस जमाने में बिना मांगे काम मिल जाता था, लेकिन सतीश के पास जो जमा पूंजी थी वो एक बिजनेस में डूब गई।
इसके बाद उनकी हालत ऐसी बिगड़ी कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अस्पताल में भर्ती सतीश के पास इलाज तक के पैसे नहीं थे। ये बात जब मीडिया में आई तब जाकर फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने उनकी मदद की, लेकिन अब सतीश कौल विवेकानंद वृद्धाश्रम में हैं और उनके पास पैसों की अभी भी बहुत कमी है। वो कहते हैं ना, किस्मत की माया, कभी धूप तो कभी छाया। अगले नंबर पर हम बात करते हैं जगदीश माली की, जो कि प्रख्यात फोटो पत्रकार और अभिनेत्री अंतरा माली के पिता थे। वो उस समय के इतने जाने माने फोटोग्राफर थे कि उनकी पहचान बॉलीवुड तक की थी। वो अपनी फोटोग्राफी में माहिर थे, लेकिन 2013 में उनकी हालत काफी खस्ता बताई गई। जनवरी 2013 में उन्हें अंधेरी के इलाके में अर्धनग्न अवस्था में देखा गया था। अभिनेत्री मिंक बरार ने उन्हें वर्सोवा की सड़कों पर गंदी हालत में देखा था, जिसमें कि जगदीश मैली टी शर्ट पहने हुए थे और उनकी हालत देख लग रहा था कि उन्होंने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। मिंक ने उनसे बात करने की कोशिश भी की थी, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। बिग बॉस 6 की कंटेस्टेंट मिंक ने सलमान खान की मदद लेकर जगदीश को उनके घर पहुंचाया था और इस बात को लेकर अंतरा माली और सलमान खान के बीच बहस भी हुई थी। अंतरा माली का कहना था कि उनकी माता और पिता के डिवोर्स के बाद वो अपनी माता के साथ ही रह रही थी और उनके पिता को अकेले रहना पसंद था। हालांकि इसी के बाद में 13 मई 2013 में 60 साल की उम्र में उनका निधन हो गया और इसका कारण किसी को भी पता नहीं। तो ये थी कुछ सेलिब्रिटी की दास्तान, जिनकी शुरुआत जितनी अच्छी थी अंत उतना ही बुरा। कहते हैं ना, पैसों के पैर नहीं होते, पर वो कब कहाँ चले जाएं ये किसी को नहीं पता। तो दोस्तों, ये आज की वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। फॉलो करना ना भूलिएगा हमारे पेज को।